नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आज पूर्णिया में कई सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान श्री पाठक ने राजकीय कृति राजा पृथ्वी चंद उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया। छात्रों की उपस्थिति, लैब, क्लासरूम, शौचालय का जायजा लिया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य को श्री पाठक ने निर्देश दिया कि 3 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं को नामांकन खत्म कर दिया जाए। वहीं प्रत्येक दिन शौचालय की साफ सफाई करवाने का निर्देश दिया। विद्यालय के प्रधान अशोक कुमार यादव ने बताया कि स्मार्ट क्लास, बेहतर शिक्षा, छात्रों की उपस्थिति और साफ सफाई को लेकर मुख्य सचिव ने कई निर्देश दिया है। साथ ही 3 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के नाम काटने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आसपास के कोचिंग संस्थानों के विद्यालय समय से चलाए जाने पर आपत्ति जाहिर किए और जिला शिक्षा पदाधिकारी को बंद कराने का निर्देश दिया। वहीं विद्यालय की छात्रा ने इस तरह के निरीक्षण को सही ठहराया और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी बताया। सर, हम लोग से पूछ रहे थे कि सारी बच्चियां आती हैं नहीं आती हैं। हम लोग जवाब दे कि हाँ सर आती है, सारी क्लास पूरा भरा हुआ रहता है लड़कियों से, सारी आती है। बस यही से बात हुआ और प्रिंसिपल सर से बात हुआ। अच्छा, किस तरह के अधिकारी पहली बार इस तरह के स्कूल में आए हुए, कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा, ऐसे आते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चेकिंग पे आ रहे हैं सर लोग। क्या चाहते हैं, जिस तरह से वो शिक्षा में सुधार कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा बात है, सुधार कर रहे तो हम ही लोग के लिए कर रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है कि अगर ऐसा सुधार हो रहा है तो हम ही लोग को सुविधा होगा पढ़ाई लिखाई में। क्या नाम है? मेरा निधि सिंह। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।